हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि हम केमिस्ट्री नीट मोस्ट वांटेड केमिस्ट्री का रिव्यू डालने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई थी वो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर की आई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, सबसे खास बात जो ये इस सारी नीट मोस्ट वांटेड, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, इसकी ये है कि इन्होंने चैप्टर के वेटेज और रिविजन रेटिंग दोनों डाल रखी है। तो अब हम जो आपका सबसे ज़्यादा था केमिकल बॉन्डिंग का, वो अब पेज नंबर 33 पर देखते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसका वेटेज कितना है, 6.94, और इसकी रिवीजन रेटिंग 10 है। दोस्तों सिर्फ दो ही ऐसे चैप्टर है जिसकी रेटिंग 10 दे रखी है। एक तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग। तो इसको आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा ऐसा इस बुक के हिसाब से। तो चलिए अब देखते हैं पेज नंबर 33। तो जैसा कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर का नाम है, अब इसके अंदर जैसे कि अब रिव्यू इसका ऐसा है कि अगर आपने ये चैप्टर पूरा पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ये जो नीट मोस्ट वांटेड केमिस्ट्री है, मतलब इस हिसाब से है कि आखिरी में जब आपको रिविजन करना हो तो इससे बेस्ट बुक नहीं होगी हमारे हिसाब से, कि बहुत ही शानदार। अगर आप का पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है तो एक बार बस इसको गो थ्रू कर लीजिए, पूरा चैप्टर इससे पढ़ लीजिए। इस चैप्टर में वही कंटेंट दे रखा है जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, यानी कि मतलब ज़्यादा चीज़ें वो दे रखी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, और कम चीज़ें वो दे रखी है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो इनडायरेक्टली आप वही चैप्टर ज़्यादा, वही चीज़ टॉपिक ज़्यादा पढ़ रहे हो जो चैप्टर वो एग्ज़ाम में आने वाली है। तो मेरे हिसाब से आप, अगर आपने, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो और वहाँ के जो आपके नोट्स हैं, सबसे पहले आप उस नोट से पूरा चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से रिवाइज कर लीजिए, तो आपका पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी अब इस चैप्टर की। वो जो नीट रिप्लिका का इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, उस हिसाब से हैं ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन की जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, जिनका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो नीट पास 5 ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो टॉपिक वाइज दे रखे हैं। टॉपिक वाइज जैसे कि जैसे कि इसके अंदर जो पास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको इस हिसाब से कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, यानी कि फिल्टर कर रखा है पूरा का पूरा। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन से अभी तक जितने भी पास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं वो 3 पूछे हैं। तो ये देखो, 3 एक अलग से फिल्टर कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक यहाँ पर डाल दिया है और उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे चैप्टर्स में इसी तरीके से दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये बुक रिविजन के हिसाब से बहुत अच्छी है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, अगर कोई बुक, दूसरी बुक का रिव्यू अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसका बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।